हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपको पिटूनिया के सीड कलेक्ट करके दिखाऊंगी कि कैसे उनको नेक्स्ट ईयर के लिए हम सेव करके रख सकते हैं। तो ये देखिए मेरे गजानी में आज कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं। आज क्या, इनमें काफ़ी दिनों से ऐसे ही फ्लावरिंग हो रही है और इसके भी मैंने कुछ छोड़ दिए हैं। ये देखिए सूखे हुए फूल, इनको मैंने कट करके नहीं हटाया है, शायद इनमें भी सीड बन जाए। तो मैं देखूँगी अगर सीड कलेक्ट होते हैं तो इनको फिर कट करके रख लूँगी। और देखिए सारे अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं। और सबसे पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कमेंट भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए मेरे पिटूनिया के प्लांट्स हैं जिनमें के सीड पॉट बनने लगे हैं अब, क्योंकि अब इनका ये फेब्रुअरी का लास्ट मंथ जो है ये सीड प्रोड्यूस करता है। और मार्च के मंथ तक इसमें अच्छे से सीड कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ, तो इसमें ये ऐसे सीड पॉट बनते हैं। ये देखिए ये ऐसे इस तरह से, और जैसे ही इनके ब्राउन हो जाए तो आप इनको ऐसे तोड़ के निकाल लीजिए। ये देखिए धूप बहुत तेज़ है, पता नहीं मैं आपको दिखा पा रही हूँ क्योंकि मुझे तो कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो इस तरह से जितने भी ब्राउन इसके सीड पॉट हों आप उनको ऐसे कलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए ऐसे तोड़ कर ये, और फिर आप उनको रख लीजिए। और आप इनको थोड़ा ध्यान देते रहिए, नहीं तो ये जैसे ही फट जाते हैं तो सीड अपने आप बिखर के नीचे गिर जाते हैं, तो आप उनको फिर सेव नहीं कर पाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए अच्छे से। और जितने भी आपके ब्रांच में यानी हैं तो आप उनको थोड़ा सा चेक करते रहिए बीच बीच में। तो मैंने बहुत सारे देखिए तोड़ कर रखे हुए भी हैं। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे जो ब्राउन हो चुके थे और बहुत सारे लगे हुए हैं अभी, तो जो ब्राउन नहीं हुए हैं उनको मैं नहीं तोड़ूँगी, और जो ब्राउन हो गए हैं उनको मैंने तोड़कर ये देखिए ऐसे रख लिया है। तो आप इनको चाहे तो अभी सेव कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें से किस तरह के सीड निकलेंगे। और अब थोड़ा सा जो कवर है इसको निकाल दीजिए, नहीं तो बहुत चिपचिपा सा होता है, तो इसमें आधे सीड तो इसी में चिपक जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ऐसे, तो इसमें ऐसे ब्लैक कलर के सीड निकल कर आते हैं। इस तरह बहुत ज़्यादा बारीक, बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं इसके सीड्स। तो आप इनको ध्यान से इकट्ठे करिए और फिर दो चार दिन ऐसे छाया में सुखा करके फिर किसी कांच के कंटेनर में या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में आप इनको ऐसे सेव करके रख लीजिए। बस इसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो ये अपने आप ऐसे खुल जाता है और फिर सीड इससे ऐसे झड़ जाते हैं। तो मुझे ज़्यादा अच्छे से धूप में दिख नहीं रहा है, ये देखिए तो इस तरह से इनके सीड कलेक्ट हो जाएंगे आपके नेक्स्ट ईयर के लिए। ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम छोटे छोटे से सीड्स होते हैं इसके। और इसको मैं दो तीन दिन छाया में सुखा कर रख लूँगी फिर, तो बहुत से अभी तो बहुत सारे निकलेंगे। ये थोड़े से मैंने आपको दिखाए हैं और ये इस तरह से इनको सीड पॉट होते हैं। ये देखिए अभी जैसे ग्रीन कलर के हैं तो ग्रीन कलर को बिल्कुल मत तोड़िए, जो ब्राउन हो जाते हैं आप उन्हीं को तोड़ के निकालिए। और ये देखिए जो ऐसे बड़े बड़े सीड पॉट बनते हैं उन्हीं में सीड अच्छे बनते हैं। तो आप जो छोटे छोटे हैं उनको कट करके हटा दीजिए, जिनमें ऐसे बड़े बड़े बनेंगे उन्हीं को सेव करके रखिए। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कमेंट भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।